आम आदमी पार्टी का क्रेज पंजाब चुनाव के बाद इस कदर बढ़ा था कि कुणबा आम आदमी पार्टी का दिन प्रतिदिन बढ़ता नजर आ रहा था। लेकिन जैसे ही लोकसभा के चुनाव अब नजदीक आ रहे हैं, वही कुणबा अब घटता नजर आ रहा है। पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज छोड़ करके कांग्रेस से लेकर के भाजपा तक आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे थे, लेकिन जब आम आदमी पार्टी में उन्हें लगा कि अब राजनीतिक यहां खड़ा नहीं बना सकते, तो उन्होंने फिर से अपनी, कुछ नेताओं ने तो घर वापसी कर ली है, कुछ नेता अब दूसरी पार्टियों में जाना शुरू कर दिया है। शुरुआत में जिस प्रकार से निर्मल और चित्रा ने पार्टी छोड़ करके अपनी घर वापसी की, तो अब अशोक तंवर को लेकर के भी खबरें चली हुई है कि वो पार्टी छोड़ सकती है। इसके अलावा पार्टी सूत्रों से जानकारी मिली है कि अशोक तंवर के अलावा जिन्होंने नगर परिषद के चुनाव में चेयरमैन और चेयरपर्सन का चुनाव लड़ा था, वो भी पार्टी को टाटा बाय बाय कह सकते हैं। तो ऐसे में अनुराग डांडा का जो बयान पिछले दिनों चित्रा और निर्मल सिंह के छोड़ने के बाद आया था, तो ऐसे में क्या कुछ बयान था उनका, और उस बयान के बाद क्या आम आदमी पार्टी खाली हो जाएगी बड़े बड़े, ऐसी क्या खेल हो गया आम आदमी पार्टी में कि बड़े बड़े नेता तो पार्टी छोड़ने को मजबूर है, जबकि लोकसभा चुनाव के दौरान 5 सीटों का जो इंडिया गठबंधन हुआ है, 5 सीटों का उन्होंने मांगा है कि हम 5 सीटें इंडिया गठबंधन से चाहेंगे। तो अगर इसी प्रकार से नेताओं ने अपने घर वापसी और पार्टियां बदलना लगाए रखा, तो आम आदमी पार्टी कैसे 500 पर चुनाव लड़ेगी। तो क्या कुछ खेल है, इसी पर आज विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे। उससे पहले कमेंट्स बॉक्स में आप राय जरूर छोड़ें कि आम आदमी पार्टी में जिस प्रकार से बड़े बड़े दिग्गज छोड़ते नजर आ रहे हैं, तो क्या पार्टी को उसका हर्जाना होगा या फिर नहीं। इसके साथ में विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश को आप शेयर और सब्सक्राइब और फॉलो अभी कर लें। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल था विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। लोकसभा चुनाव होने वाला है, समय बहुत कम है, तो ऐसे में अब बड़े बड़े दिग्गज नेता आम आदमी पार्टी को छोड़ रहे हैं। पिछले दिनों जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने अपनी सदस्यता अभियान चलाया था, उस सदस्यता अभियान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अशोक तंवर से लेकर के सुशील गुप्ता तक ने बड़े यानी कि ये बात कही थी कि अब बदलाव हरियाणा में होगा। वही बदलाव कहने वाले नेता अगर पार्टी को छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि आम आदमी पार्टी में अब ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अब आम आदमी पार्टी में जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अशोक तंवर से लेकर के सुशील गुप्ता ने दावा किया था कि हमने 11 लाख सदस्य बना दिए गए हैं, 7500 से ज्यादा गांव में जाकर के सदस्यता अभियान चलाया गया था और 11 लाख के आसपास सदस्य बनाए गए थे। तो उसके बाद पदाधिकारियों की भी नियुक्ति की गई थी और उन पदाधिकारियों में से लगभग 6500 की नियुक्ति की गई थी और जो सदस्य बनाए गए थे, सदस्यों में सबसे बड़ी खबर तो आम आदमी पार्टी ने यह चलाई थी कि सीएम के हलके में हमने सबसे ज्यादा सदस्यों को जोड़ा है और करनाल में सीएम सिटी यानी कि जो करनाल विधानसभा है उसमें 35,664 नए सदस्य पार्टी के लिए जोड़े थे। तो वही डिप्टी सीएम के इलाका है यानी कि दुष्यंत चौटाला का उचाना विधानसभा में 25,060 सदस्यों को जोड़ा था। तो ऐसे में बड़ी बात तो यह हो जाती है कि अनुराग डांडा उस वक्त बड़ा बयान देते हैं जब चित्रा और निर्मल सिंह पार्टी को छोड़ देते हैं और वो कहते हैं कि 6500 में अगर दो पदाधिकारी पार्टी से चले गए तो उसका कुछ असर नहीं पड़ेगा। 6500 के अलावा दो ही घटे हैं और भी काफी है, लेकिन अनुराग ढांडा एक सीनियर पत्रकार हैं, वो हर चीज को भले भांति जानते हैं, पत्रकारों को बोल तो दिया लेकिन उसके पीछे की राजनीति को वो भी जानते हैं कि दो नेताओं के पीछे जो सदस्यता अभियान चलाया गया है
जो कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी से जुड़े थे उनमें कुछ संख्या उनकी भी होगी। दो पदाधिकारी जाने का मतलब सीधा ही तौर पर लाखों सदस्य जो उस पदाधिकारी से जुड़े हैं वो भी पार्टी को टाटा बाय बाय करते नजर आते हैं। अगर अशोक तंवर पार्टी को छोड़ जाए तो निर्मल सिंह से ज्यादा नुकसान पार्टी को होने वाला है। तो ऐसे में जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने अपना पंजाब की तरह हरियाणा में भी कंट्रोल रखने की कोशिश में अनुराग ढांडा को आगे बढ़ाते नजर आए, लेकिन अशोक तंवर जैसे दिग्गज नेता को उस तरह का प्लेटफॉर्म शायद नहीं मिला जिस तरह का वो चाहते होंगे। तो ऐसे में और अशोक तंवर के बाद जो नगर परिषद के चेयरमैन और चेयरपर्सन भी अगर फरवरी माह के बाद पार्टी को अलविदा कह देते हैं तो उनके भी हजारों समर्थक कार्यकर्ता जाएंगे तो सदस्य आम आदमी पार्टी के ऊपर गहरा असर पड़ेगा। तो ऐसे में हरियाणा की राजनीति में 5 सीटें मांगना, सुशील गुप्ता ने कह तो दिया है कि हम 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे अगर इंडिया गठबंधन चाहेगा, लेकिन इसी प्रकार से अगर पार्टी छोड़ते दिग्गज रहे तो कैसे 5 सीटों की बजाय 1 भी मिलना मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसे में देखना दिलचस्प यही रहेगा कि अब अरविंद केजरीवाल ऐसे क्या चाल चलते हैं कि जिसके कारण से अब फिर से हरियाणा में आम आदमी पार्टी में फिर से बाहर लौट आएगी। देख अब इस मामले में आप भी अपनी राय दीजिए, इस विश्लेषण के ऊपर पूरा यानी के जो आपने देखा है की राय दीजिए। चैनल को फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक जरूर से जरूर भेज दें, क्योंकि जितना व्यूवर्स चैनल का होगा हमारा हौसला बढ़ेगा, हौसला बढ़ाने का काम करें, कमेंट करें। हम मुझे दें इजाजत, मिलते हैं एक नए मुद्दे नए विश्लेषण में। जिंदाबाद।